दोस्तों पेरोल और कंप्लायंसेस की नींव क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर। जी हाँ, क्योंकि सारी जो कैलकुलेशन होती है पेरोल में, कंप्लायंसेस में जो भी हमारी वैल्यूज जाती है, वो सारी की सारी एक रजिस्टर पर डिपेंड करती है, वो है अटेंडेंस रजिस्टर। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से अटेंडेंस रजिस्टर आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं। हम आज एक ऐसा अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे जो कंप्लीटली ऑटोमेटिक होगा, जिसमें सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, मंथ की वैल्यूज, वीक डेज, सभी कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे और वो खुद को ऑटोफिल भी करता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये अटेंडेंस रजिस्टर देखिए, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉई डेज से लेकर वीक डेज, डेट सभी कुछ दिख रही है। इसमें खास बात यह है कि आप जैसे ही इसमें मंथ चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली डेज अपडेट हो जाएंगे। अगर महीने में 30 से 31 दिन हो जाते हैं तो वो भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फरवरी में जाकर देखिए तो 28 डेज है, तो 28 डेज अपडेट हो जाएंगे और बाकी कॉलम अपने आप से ब्लैंक हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर एक्सेल को यूज करते हुए अगर आपके एम्प्लॉयज को आप अलग अलग दिन छुट्टी देते हैं, मान लीजिए कुछ को संडे को, कुछ को मंडे को, कुछ एम्प्लॉयज को फ्राइडे को, तो आप उसको भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और एक नंबर अपडेट करते ही उन एम्प्लॉयज के रेस्ट डेज एक्सेट्रा सभी कुछ अपडेट हो जाएंगे। साथ ही साथ इस एक्सेल में कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अगर आपको कुछ एम्प्लॉयज को प्रेजेंट की जगह एब्सेंट मार्क करना है तो आप यहाँ पर एब्सेंट मार्क कर दीजिए। अगर आप इसके अगेंस्ट लीव देना चाहते हैं, पेड लीव देना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेड लीव भी मेंशन कर दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर डेज पर सभी एम्प्लॉयज को फेस्टिवल हॉलीडे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फेस्टिवल हॉलीडे भी मेंशन कर सकते हैं। और ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी और टोटल पे डेज की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यही कुछ सीखेंगे हम आज के इस एपिसोड में, कैसे आप भी मिनटों में इसी तरह की पावरफुल एक्सेल अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं या फिर जिन कंपनीज को आप कंसल्ट कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस अपने यहाँ घर बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूँ एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट। हमारी कंपनी पिछले 42 सालों से लेबर लॉज और पेरोल की फील्ड में 500 से ज्यादा कंपनीज को कंसल्ट कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम एक्सेल की तरफ बढ़े, सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि अटेंडेंस रजिस्टर में वैल्यूज क्या क्या फिल की जाती है। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है वो प्रेजेंट डेज, जिस दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट है उसे पी मार्क किया जाता है। सेकंड वैल्यू होती है रेस्ट, जिसके या फिर आप वीकली ऑफ भी मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे, सप्ताह में एक दिन एम्प्लॉयज को छुट्टी देना जरूरी है। कुछ कंपनी सप्ताह में दो दिन भी एम्प्लॉयज को छुट्टी दे सकती है, तो दोनों दिन वो रेस्ट मार्क कर सकती है। फिर इसमें वैल्यू आ जाती है एब्सेंट, जिस पर्टिकुलर डे पर एम्प्लॉय कंपनी में नहीं आया उस पर एब्सेंट मार्क किया जाता है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय पेड लीव ले रखी है तो उस पर पेड लीव मार्क कर सकते हैं। एम्प्लॉय सिक है तो उसे सिक यानी एस मार्क किया जा सकता है। जिस दिन कंपनी में किसी फेस्टिवल के कारण, होली, दिवाली, ईद के कारण छुट्टी है तो एम्प्लॉयज को एफ मार्क करके फेस्टिवल हॉलीडे दी जा सकती है, जो भी एक पेड हॉलीडे कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ए टू जेड पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स के बारे में। अगर आप पेरोल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारा ये कोर्स करके इसमें इन डेप्थ नॉलेज हासिल कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं और रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने ये एक्सेल फाइल प्रिपेयर करी है जिसके अंदर हम अटेंडेंस बनाएंगे। इसको भी कलर वगैरह सभी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्टर रोल रजिस्टर लिखा हुआ देखेगा, इसी तरह से आप भी मेंशन कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट हमने चुना है ये आपको टिपिकल किसी भी अटेंडेंस रजिस्टर में ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा लेबर लॉस के हिसाब से। टॉप पर आप यहाँ पर मेंशन करिए कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, ताकि कभी भी मिक्स एंड मैच ना हो जाए दो कंपनीज के पेरोल। फिर आप यहाँ पर मंथ और उस पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज है वो मेंशन करिएगा। इसमें स्पेशल ध्यान देना होगा आपको लीप ईयर का। उसके बाद आप फर्स्ट डे और लास्ट डे मेंशन कर सकते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किए हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के अलावा एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम और एम्प्लॉय का कोड नंबर। अगर यहाँ पर आप कुछ और रोज ऐड करना चाहते हैं तो और रोज ऐड कर सकते हैं। इसी अटेंडेंस रजिस्टर के लास्ट कुछ कॉलम्स में कैलकुलेशन की जाती है। अगर आप मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर फिल कर रहे हैं तो मैनुअली कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन हम चूंकि एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। कितने प्रेजेंट डेज रहे एम्प्लॉयज के, कितनी लीव रही, कितनी रेस्ट रही, कितनी फेस्टिवल रहे और टोटल पे डेज एम्प्लॉयज को कितने हुए, जिसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम मंथ कॉलम में हम मंथ को पॉपुलेट करेंगे। मंथ के लिए आप एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेट मेंशन करी है, जो हर एक मंथ की फर्स्ट डेट है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो है 2021। तो आप 1/4/2020, 1/5/2020 इस तरह से मेंशन करिए और उसको यहाँ पर नीचे ड्रैग कर दीजिए तो बाकी उस ईयर की डेट्स मेंशन हो जाएगी। अब यही डेट मुझे यहाँ पर मंथ में चाहिए, तो यहाँ पर मंथ का ड्रॉपडाउन डेवलप करने के लिए मैं मंथ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूंगा। डेटा वैलिडेशन में आप ड्रॉपडाउन में से सेलेक्ट करिएगा लिस्ट, लिस्ट के बाद यहाँ पर सोर्स सेलेक्ट करिएगा, सोर्स में आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉपडाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर क्लिक करिएगा, ओके दबाइएगा।
तो यहाँ पर मेरा ये ड्रॉप डाउन डेवलप हो गया जिसमें आपको जो यहाँ पर मंथ लिखे हैं वही यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फरवरी मेंशन हो जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखिए जिसको मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप अभी समझ लीजिए, किसी भी जगह पर आपको डेट का अगर फॉर्मेट अलग अलग सेट करना है तो आप डेट को चाहे तो यहाँ पर मंथ और ईयर मेंशन कर सकते हैं, केवल उसका डे मेंशन कर सकते हैं, पूरा नवंबर 1, 2020 मेंशन कर सकते हैं, 30th नवंबर 2020 मेंशन कर सकते हैं, इसकी जगह आप चाहें तो वीकडे मेंशन कर सकते हैं, कई सारे डेट के फॉर्मेट होते हैं। तो वो आपको फॉर्मेट कैसे सेट करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेट बिल्ड कर सकते हैं, MMMMYY, यहाँ पर आपको डेट में आकर बहुत सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे। अगर आपको कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो अलग अलग यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अलग सेलेक्ट करके आपको डिफरेंट काफ़ी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में डेट को रिफ्लेक्ट करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये फॉर्मेट ऑप्शंस के यूज से होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये DDMMYYYY फॉर्मेट हो रहा है, मैं इसको फॉर्मेट को फिर से चेंज कर देता हूँ। तो मैं फॉर्मेट सेल में जाकर कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट बना रखा है MMMMYY, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो ये मेरा मंथ और ईयर फॉर्मेट हो गया। अब मुझे इस मंथ का लास्ट डे मेंशन करना है, तो लास्ट डे मेंशन करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है EO मंथ। तो एंड ऑफ मंथ को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, इस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे इस महीने में मैक्सिमम कितने डेज है वो मेंशन हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर मैंने फॉर्मेट में सेलेक्ट किया है DD, अब यहाँ पर जाके फॉर्मेट में चेक करिएगा, फॉर्मेट में मैंने सेलेक्ट किया है DD, तो यहाँ पर केवल डे मेंशन हो रहा है, नहीं तो ये भी एक्चुअली एक डेट ही है। अब यहाँ पर फर्स्ट डे आप देखेंगे तो ये एक्चुअली यही डेट है, बस मैंने इसमें फॉर्मेट चेंज कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट डेट आ रही है। और लास्ट डेट के लिए भी मैं यहाँ पर सिर्फ इस वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मेट बस अलग अलग हुआ है। बेसिकली इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक्सेल अलग अलग फॉर्मेट में आपको ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग डेट की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट डेट यहाँ पर जरूर होगी। इसमें मुझे अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डेट्स आनी चाहिए वो 28 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए फरवरी मंथ में, लेकिन अगर मान लीजिए मंथ मार्च है तो यहाँ पर टोटल 31 डेज भी आने चाहिए, अगर मंथ अप्रैल है तो यहाँ पर 30 डेज आने चाहिए। ये हमको इंटेलिजेंस यहाँ पर डेवलप करनी होगी। तो इसके लिए हम एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरा जो डे है, जो यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, अगर वो इस डेट से कम है, यानी इस नंबर से कम है तो यहाँ पर चलेगा, लेकिन इस डेट से ज़्यादा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता। यही हमको कंसेप्ट याद रखते हुए एक फॉर्मूला बिल्ड करना है। तो दोस्तों हमने ये बेसिक सा एक फॉर्मूला मेंशन करा है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में मैंने बताया कि अगर यहाँ की जो इस G4 कॉलम की वैल्यू है अगर वो इससे कम है, यानी 28 से कम है, तो यहाँ पर 2 हो जाए, और अगर वो वैल्यू 28 हो चुकी है तो यहाँ पर ब्लैंक आ जाए। तो अगर हमने ये फॉर्मूला राइट अपडेट किया है तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर 28 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 28 तक ही वैल्यू आई है, लेकिन अगर मैं मंथ यहाँ पर चेंज कर दूँ तो ये वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, तो जुलाई महीने में 31 डेज हो गए हैं। अब इस पर्टिकुलर मंथ को मुझे यहाँ पर डे में रिफ्लेक्ट करना है, यानी अगर इस दिन संडे है तो संडे, मंडे है तो मंडे मेंशन करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि डेट है, डेट को सिर्फ फॉर्मेट के माध्यम से केवल 1, 2, 3 दिखाया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर ये कंप्लीट डेट है। अभी यहाँ पर केवल DD डेट दिखाया हुआ है, तो इस डेट का कौन सा डे है उसके लिए मैं इसको बस फॉर्मेट चेंज करके टेक्स्ट फॉर्मेट में DDDD जो उस पर्टिकुलर डे को मेंशन करता है वो फॉर्मेट में दिख जाना चाहिए। तो आप यहां पर देखिए यहां पर वेडनेसडे यहां पर मेंशन हो गया, मैं इसको ड्रैग कर देता हूं एंड तक तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके इसमें जगह एक्स्ट्रा कर देता हूं। तो अब यहां पर मंथ चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। अगर यहां पर आप फरवरी मेंशन करेंगे तो यहां फरवरी के हिसाब से ये डेज मेंशन हो गए। अब यहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से नंबर चाहिए कि उस पर्टिकुलर डे का क्या नंबर है। मैं संडे को नंबर दे रहा हूँ 1, मंडे को 2, इसी तरीके से सारे नंबर्स में देता जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में भी सेम कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ये जो नंबर है वो 28 से ज़्यादा हो जाए, यानी उस पर्टिकुलर मंथ में जितने डेज हैं उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये 0 हो जाना चाहिए। ये इस कंडीशन का ध्यान रखना है आपको। तो सिंपल इफ कंडीशन के साथ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। इस कंडीशन में मैंने सेम जो कंडीशन मैंने यहाँ पर ऊपर लगाई थी वही कंडीशन यहाँ पर नीचे लगाई है, और अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती तो 0 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर ये वीक डे फॉर्मूला मैंने लगाया, वीक डे से उस पर्टिकुलर डे को ये डे में नंबर में बदल देता है। तो यहाँ पर ये नंबर आ जाना चाहिए, और ये देखिए यहाँ पर करेक्ट नंबर आ गया। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो संडे को 1 और बाकी उसी तरह से नंबर अपडेट हो जाने चाहिए। तो आप देखिए किसी भी संडे को इसने 1 मेंशन कर दिया है, मंडे को 2 मेंशन कर दिया एक्सेल ने, और जो ब्लैंक है वहाँ पर ये 0 मेंशन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अभी फिलहाल रेस्ट डे सभी को संडे बना देता हूँ, इसको हम चेंज भी करेंगे बाद में, चेंज करके देखेंगे। तो ये रेस्ट डे का यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया, और इस पर्टिकुलर डे में सारे एम्प्लॉयज के लिए फिलहाल मैं रेस्ट डे को संडे बना देता हूँ।
तो अब हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखते हैं। अब इन पर्टिकुलर सेल्स में सारी वैल्यूज नहीं आ सकती, यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही वैल्यू आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल एबसेंट, प्रेजेंट। ये इस चीज को हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो मैंने जहां जहां मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए उसको सेलेक्ट किया है। डेटा वैलिडेशन पर जाकर आप क्लिक करिए यहाँ पर लिस्ट वैल्यू पर, लिस्ट वैल्यू में आप वो सारी वैल्यूज फिल कर दीजिए जो आपको यहाँ पर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एबसेंट, प्रेजेंट, लीव, सिक, एफ और आर, ये सारी वैल्यू ही यहाँ पर आएगी। इसे आप अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लिस्ट मेंशन हो चुकी है, इन्हीं लिस्ट में से यहाँ पर कोई भी वैल्यू मेंशन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर रेस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेस्ट मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए रेस्ट का कलर किस तरह से मेंशन हुआ है, चेंज हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाइए होम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप मैनेज रूल्स पर क्लिक करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने तीन रूल्स बना रखे हैं, मैं आपको नया रूल बनाकर बताता हूँ। तो यहाँ पर न्यू रूल पर क्लिक करिए, न्यू रूल पर आप कर सकते हैं सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू इक्वल टू एस, क्योंकि मैंने एस के लिए अभी तक फिलहाल कोई रूल नहीं बनाया है। उसके लिए आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको इसमें लाइट ग्रे कलर चाहिए और जो आपको टेक्स्ट का कलर चाहिए वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर मान लीजिए आपको ब्लू चाहिए तो आपने यहाँ पर ब्लू टेक्स्ट का कलर अपडेट कर दिया, और अगर आप इसमें कुछ बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी एस मेंशन होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर अपडेट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पर एफ मेंशन होता है तो कलर चेंज हो जाता है, अगर मैंने एल मेंशन किया है तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये सेल फॉर्मेटिंग हमने तय कर लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप सीखते हैं कि ऑटोमेटिकली आप इस सेल को कैसे फिल कर सकते हो किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए, ताकि बहुत सारा काम और मेहनत बच जाए। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जिस भी जगह पर रेस्ट डे वन है, यानी यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर आपको डेज दिख रहे हैं और यहाँ पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रेस्ट डे आ रहा है। अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रेस्ट डे वन है तो जिस भी एम्प्लॉय का रेस्ट डे आ रहा है वहाँ पर आपका आइडियली आर ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, आर आर इस तरह से हो जाना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर यहाँ पर जो ये वैल्यू वन है और यहाँ पर ऊपर भी वन लिखा है तो उस जगह पर ऑटोमेटिकली आर पॉपुलेट हो जाए और बाकी सभी जगह पी पॉपुलेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर यहाँ पर ऊपर वैल्यू जीरो है तो ब्लैंक रह जाए, अगर वैल्यू मैच कर रही है इस वैल्यू से तो वहाँ पर आर पॉपुलेट हो जाए और बाकी सारी कंडीशन में पी पॉपुलेट हो जाए। अपन इसको यहाँ पर वैल्यू ऐड करके देखते हैं और इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो परफेक्टली जैसा हमने इंटेंट किया था उसी तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसमें वैल्यू चेंज करके देखते हैं, अगर मैंने वैल्यू 2 करी तो अगेन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो फिर से चेंज हो रही है, वैल्यू वापस 1 कर देता हूँ तो फिर अपडेट हो जाना चाहिए। तो परफेक्टली अपडेट हो रहा है, जीरो पर ये काम नहीं कर रहा है, जो भी बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही मैं चाहता था। अब यहाँ पर मंथ चेंज करके देख लेते हैं कि फिर वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं मंथ में यहाँ पर अप्रैल करके देखता हूँ तो अगेन इट्स वर्किंग, मंथ में मैं यहाँ पर कोई और मंथ अगस्त करके देखता हूँ तो अगेन इट्स वर्किंग, तो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। अब लास्ट में यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन को यूज़ करते हुए सारे पी मुझे कैलकुलेट करने हैं, एल कैलकुलेट करने हैं, आर कैलकुलेट करना है और एफ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ में सबसे पहले आप रेंज दिखाई देंगे, तो रेंज में आप शुरू यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ से लेकर लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया डालिए। तो क्राइटेरिया में अगर इस सेल में पी लिखा है तो आपको उसको काउंट करना है, ये ही हमारा क्राइटेरिया है। तो ये मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर 26 आ गया है और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ तो सभी जगह अभी फिलहाल 26 ही आ रहा है, तो 26 कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरीके से एल आर और एफ के लिए भी हम काउंटिव फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमने एल आर और एफ के लिए भी काउंटिव फंक्शन को यूज़ कर लिया। आप देखेंगे कि सब जगह पर टोटल 26 पी हैं और 5 आर हैं, अभी एल कहीं भी नहीं है और एफ कहीं भी नहीं है। अब हम कुछ जगह पर एल लगा कर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने एल डाला तो बिल्कुल कैलकुलेट हो गया यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर एफ ऐड किया तो यहाँ पर एफ भी ऐड हो जाना चाहिए, तो एफ ऐड हो गया। अगर मैं सभी जगह पर एफ ऐड कर देता हूँ तो ये सभी जगह पर एफ ऐड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये एफ अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर हम टोटल पे डेज निकाल लेते हैं। टोटल पे डेज निकालने के लिए मुझे सिर्फ इसका सम करना है। सम करने के बाद मैं ये 31 कर दूंगा और सम फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर दूंगा, तो इससे हमारी ये पूरी एक्सेल प्रिपेयर हो गई है। सिमिलरली अगर आप बॉटम रो में भी कंडीशन लगाना चाहते हो और कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन में कितने एम्प्लॉई आए हैं, तो यहाँ पर काउंट इफ की कंडीशन लगाकर सेम काम किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर काउंट इफ कंडीशन लगा दी जिससे हमको पता चल गया कि उस पर्टिकुलर दिन में कितने एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। तो एक बार आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई, प्रेजेंट, लीव, रेस्ट और फेस्टिवल और टोटल पे डेज की, तो इस वैल्यू को आप अपने पेरोल में ऐड करके पेरोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप पेरोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको प्रेजेंट डेज, पेड लीव,
वीकली ऑफ अ फेस्टिवल यहाँ पर मार्क कर दीजिए, यहाँ पर पे डेज की कैलकुलेशन हो जाएगी और ओवरऑल आपका पेरोल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखा तो इसका मतलब है आप पेरोल में इंटरेस्टेड हैं, पेरोल फील्ड से जुड़े हैं या पेरोल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन सभी बातों में आपको हेल्प करेगा ए टू जेड पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको 45 लेक्चर्स और 100 प्लस मॉड्यूल्स के माध्यम से पेरोल की कंप्लीट बेसिक सारी बारीकियां सिखाऊंगा। वो सारी नॉलेज जो हमने पिछले 40 सालों में इकट्ठा करी है मैं आपको एक कोर्स के माध्यम से दे रहा हूं। इस कोर्स को करने के बाद आप डेफिनेटली अपने जॉब में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपनी कंसल्टेंसी शुरू करके रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसके साथ आपको मिलता है एक डिस्कशन फोरम जहां पर ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स सॉल्व किए जा चुके हैं, और अगर आपका भी कोई डाउट होता है तो उसको यहाँ पर आप अपडेट करिए जिसको मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ। और अगर आपको ये ओवरऑल जो कैलकुलेशन है जो एक्सेल है यही ओवरवेलमिंग लग रहा है तो उसके लिए भी दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। हमने आपके लिए ही बनाया है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल कोर्स भी, जिसमें हमने आसान हिंदी भाषा में 18 मॉड्यूल्स में बेसिक फॉर्मुला से कवर करके पिवट टेबल तक एडवांस एक्सेल आपको सिखा दी है। इससे ज्यादा एक्सेल शायद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं, और अगर आप लेबर लॉस, पेरोल, फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी अपडेट चाहते हैं तो लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए, जय हिंद जय भारत।